स्टूडेंट हूँ। हमारा मेन मोटिव एक ही चीज़ का है कि हमें ऑनलाइन एग्जाम होनी चाहिए। कल हमारा प्रोटेस्ट भी इस बात पे चल रहा था। केयू में हमारा कल प्रोटेस्ट सुबह 10 बजे शुरू हुआ और शाम के 10 बजे ख़त्म हो गया, जबकि हमें वहाँ एग्जामिनर ने ये बताया कि आपका अब आपको ऑनलाइन मोड में भी एग्ज़ाम होगा। लेकिन रात के कोई 12-1 बजे के करीब केयू की नोटिफिकेशन आई, जो भी ये ऑर्डर सर्कुलेट हुआ है ऑनलाइन एग्ज़ाम का, ये वैलिड नहीं है। जो ये हमारा मेन चीज़ हम यही बताना चाह रहे हैं, जो हमें जिस मोड में हमारी पढ़ाई हुई है, हमें उसी मोड में हमारा एग्ज़ाम लिया जाए और हम ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे। जी जी, जब अगर टीचर्स के लिए आप लाइफ इजी कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, तो स्टूडेंट के लिए लाइफ इजी क्यों नहीं करेंगे कि हम ऑफलाइन आके क्यों एग्ज़ाम दें, हम अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डालें। और बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी कोविड पॉजिटिव है, अगर उनके लिए क्या आप क्या मतलब क्या आप क्या कर सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट से किस क्लास के, किस सेमेस्टर? सर ये बीटेक के हैं, हर आईओटी से हैं, एसएसएम से हैं, बाकी जितने बीटेक जिनका भी ऑनलाइन हो रहा है वो है, और नर्सिंग के हैं। तो अभी जो ऑनलाइन एग्जाम्स बोल रहे हैं कि यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम दिया जाएगा, जी तो उसके साथ में आप नहीं है? आप नो सर, क्योंकि जो हम जिस मोड में हमें पढ़ाया गया है उसी मोड में हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जब बाकी स्टूडेंट्स का हो रहा है, जैसे बाकी डिपार्टमेंट है लॉ वालों का ऑनलाइन हो रहा है, बाकी जब जम्मू यूनिवर्सिटी ने किया बच्चों के लिए ऑनलाइन किया, तो ये कश्मीर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कर सकती है अपने बच्चों के लिए? We vote. Back up.